लास्ट पार्ट में हमने क्लासिफिकेशन मॉडल्स बनाए थे, जिसमें जो एक्स था हमारे पास या जो फीचर्स थे उनमें इंग्रेडिएंट्स हमने रखा था, और जो टारगेट कॉलम था वो कैटेगरी था हमारे पास, और उससे फिर हमने मॉडल्स को ट्रेन किया था, और उसके बाद फिर प्रेडिक्शंस की थी कि मॉडल जो है वो इंग्रेडिएंट्स को समझकर प्रेडिक्ट करे कैटेगरी को। इस पार्ट में हम क्वालिटी और इफेक्टिवनेस चेक करेंगे कि हम इंग्रेडिएंट्स के मुताबिक चेक करेंगे कि कौन से इंग्रेडिएंट्स जो है वो गुड स्टफ को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इस पार्ट में हम क्वालिटी और इफेक्टिवनेस के लिए मॉडल्स को क्लासिफिकेशन मॉडल्स को प्रिपेयर करेंगे और उनसे फिर प्रेडिक्शन करेंगे और उनकी एक्यूरेसी वगैरह चेक करेंगे। तो सबसे पहले इस बार मैं X1, लास्ट टाइम हमने X रखा था, इस बार मैं X1 रख रहा हूँ ताकि वेरिएबल्स जो है वो डिफरेंट रहे। ओवरराइड नाउ, तो df.ingredients और Y1 है df.goodstuff। तो अब हम चेक करेंगे कि यूजर्स को इंग्रेडिएंट्स कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स थे जो कि ज्यादा इफेक्टिव रहे और ज्यादा क्वालिटेटिव रहे, तो जिसकी वजह से वो जो यूजर्स हैं उन्होंने 5 स्टार दिया, या ओवरऑल जो हमारे पास गुड स्टफ का कॉलम था उसमें जो 1 वैल्यू थी, जिसका मतलब था कि अकॉर्डिंग टू यूजर्स यूजर काफी सेटिस्फाइड थे प्रोडक्ट के साथ। तो हम ये प्रेडिक्ट करेंगे कि इंग्रेडिएंट्स से ग्रुप गुड स्टफ को प्रेडिक्ट करेंगे कि क्लासिफाई करेंगे कि कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स थे जो कि गुड स्टफ को क्लासिफाई कर सकता है या करेगा। तो गुड स्टफ, आई थिंक कैपिटल, ट्रेन वन वाई ट्रेन वन एक्स टेस्ट वन। ट्रेन वन वाई टेस्ट वन इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट X1 Y1, और मैं टेस्ट साइज जो है लास्ट टाइम की तरह टेस्ट साइज जो है वो 25% होगा, और रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 42। लास्ट टाइम हमारे पास जो कैटेगरी में हमने कैटेगरीज नाम की एक लिस्ट बनाई थी, उसमें हमारे पास जो टारगेट कॉलम के मुताबिक हमने वैल्यूज रखी थी, क्योंकि हमारे पास जो टारगेट कॉलम था वो कैटेगरी था, तो और कैटेगरी कॉलम में हमारे पास जो वैल्यूज थी वो मॉइस्चराइजर, क्लींसर, फेस मास्क और ट्रीटमेंट, ये वैल्यूज थी जो हमारे पास कैटेगरी नाम का कॉलम था। इस बार हमारे पास जो कॉलम है वो गुड स्टफ है, और इस बार हम जो लिस्ट बनाएंगे तो गुड स्टफ में जो वैल्यूज हैं उनकी एक लिस्ट बनाएंगे। तो कैट इज इक्वल टू गुड स्टफ में हमारे पास जो वैल्यूज थी वो थी, 2 वैल्यूज थी, 1 मैं स्ट्रिंग बना देता हूं, 1 और 0। तो इस बार हमारे पास वैल्यूज 1 और 0 हैं जो कि गुड स्टफ में वैल्यूज हैं गुड स्टफ कॉलम में। मैं अभी नाइफ बेस क्लासिफायर यूज करूंगा, तो उसके लिए NB पाइपलाइन और जो लास्ट टाइम भी हमने काउंट वेक्टराइजर TF IDF ट्रांसफॉर्मर यूज किया था और उसके साथ हमने क्लासिफायर को यूज किया था, इस बार भी हम काउंट वेक्टराइजर TF IDF ट्रांसफॉर्मर और क्लासिफायर यूज करेंगे। तो काउंट वेक्टराइजर TF IDF और TF
तो नाइव बेस के लिए मल्टीनोमियल एनवी, हम मॉडल फिटिंग कर लेते हैं तो एनवी डॉट फिट एक्स ट्रेन वन वाई ट्रेन वन। अब हम प्रिडिक्शन कर लेते हैं तो y ट्रेड इज इक्वल टू और अगर हम एक्यूरेसी चेक करें तो एक्यूरेसी ट्रेड तो हमारे पास एक्यूरेसी आई है 64%। अब हम अगर क्लासिफिकेशन रिपोर्ट इसकी चेक कर लें तो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट इक्वल टू कैट, तो हमारे पास क्लासिफिकेशन रिपोर्ट भी आ चुकी है। लेकिन अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो लास्ट टाइम हमने क्लासिफाई किया था तो इस बार हमारे पास एक्यूरेसी और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट के मुताबिक प्रिसीजन रिकॉल एफ एन स्कोर सपोर्ट की वैल्यूज काफी कम है। हम अब चेक करते हैं जो हमारे पास बाकी दो क्लासिफायर्स हैं वो कैसी एक्यूरेसी हमें प्रोवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं तो लॉग रेग इज इक्वल टू के पैरामीटर सेट कर लेते हैं तो एन जॉब्स इज इक्वल टू वन और सी इज इक्वल टू फाइव। मॉडल फिट कर लेते हैं तो लॉग रेग डॉट फिट एक्स ट्रेन वन वाई ट्रेन वन और अब हम प्रेडिक्शन कर लेते हैं तो y thread 1 इज इक्वल टू log reg डॉट प्रेडिक्ट और इसकी अगर हम अब एक्यूरेसी चेक करें तो एक्यूरेसी और हमारे पास जो एक्यूरेसी आ रही है वो है 68%। अब हम क्लासिफिकेशन रिपोर्ट इसकी अगर चेक कर लें तो प्रिंट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट टेस्ट वन वाई थ्रेड वन, तो हमारे पास क्लासिफिकेशन रिपोर्ट आ गई गुड स्टफ जो जीरो या वन वैल्यू के लिए। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे पास अगेन नाइव वेज क्लासिफायर से बेहतर क्लासिफिकेशन रिपोर्ट है।
नेक्स्ट में अब हम स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट कर लेते हैं। तो एस जी डी इज इक्वल टू पाइपलाइन नलटी इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू थ्री रैंडम स्ट्रेट इज इक्वल टू 42 और मैक्स इटर इज इक्वल टू 5। सही, अब मैं मॉडल फिट कर लेता हूं। तो एस जी डी डॉट फिट एक्स ट्रेन 1 वाई ट्रेन 1। अब हम प्रोडिक्शन कर लेते हैं। तो वाई प्रेड इज इक्वल टू एक्स टेस्ट 1। अब अगर हम इसकी एक्यूरेसी चेक करें तो प्रिंट एक्यूरेसी तो हमारे पास जो एक्यूरेसी आ रही है वो 64% है, और जो लॉजिस्टिक रिग्रेसर हमने यूज किया था उसकी 68% थी, और नाइवेस जो यूज किया था उसकी भी 64% एक्यूरेसी थी। इसकी अगर हम क्लासिफिकेशन रिपोर्ट अब चेक कर लें तो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट टारगेट नेम्स इज इक्वल टू कैट। तो ओवरऑल इसकी अगर हम क्लासिफिकेशन रिपोर्ट देखें और जो नाइव बेस क्लासिफायर था उसकी हम क्लासिफिकेशन रिपोर्ट देखें तो हमारे पास जो एस जी डी क्लासिफायर है इसकी क्लासिफिकेशन थोड़ी बहुत बेहतर लग रही है मुझे, और लेकिन ओवरऑल जो है अगेन लॉजिस्टिक रिग्रेसर जो है उसने सबसे ज्यादा एक्यूरेसी दी है, और बाकी भी हम अगर वैल्यूज को ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो बाकी वैल्यूज हैं प्रिसीजन रिकॉल एफ1 स्कोर सपोर्ट ये नाइव बेस क्लासिफायर से और एस जी डी क्लासिफायर से बेहतर है। लेकिन ओवरऑल अगर इसको इस मॉडल को हम जो हमने प्रीवियस पार्ट्स में हमने जो क्लासिफिकेशन किया उसके साथ हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट जो है वो काफी काफी पुअर रिजल्ट है। ये कुछ क्लासिफिकेशन जो है ये हमारे जो अब हम रिकमेंडर मॉडल बनाएंगे तो वहां हमें हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम रिकमेंडर्स मॉडलिंग करेंगे।